कमलनाथ सरकार में सुर्खियों में रहे पूर्व मंत्री उमंग सिंगार का ट्वीट इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल उन्होंने ट्वीट के माध्यम से अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है और केंद्रीय नेतृत्व को प्रदेश की स्थिति पर फोकस करने की नसीहत दी है। पूर्व मंत्री उमंग सिंगार का कहना है कि वाकई में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसको देखते हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर केंद्रीय नेतृत्व को फोकस करना जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि आज जो लोग खुद नेता बनना चाह रहे हैं जबकि पार्टी उन्हें नेता बनाती है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष संजय मसानी को लेकर किए गए ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि एक समय संजय मसानी ने कहा था कि मैं धर्म और अधर्म की लड़ाई के चलते कांग्रेस के साथ धर्म की लड़ाई में हूँ, इसलिए वह अपने जीजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी धर्म के बारे में कुछ ज्ञान दें। उमंग सिंगार ने विधानसभा सत्र को टाले जाने को भी गलत बताया है। उनका कहना है कि जब सब चीजें खुल गई हैं तो विधानसभा सत्र भी हो सकता था जिसमें जनता की बात प्रतिनिधि रखते सत्र को टाला जाना नहीं चाहिए था। जनता के विषयों को लेकर सत्र होना था। मॉनसून सत्र किस तरह से होना था, क्या ऑनलाइन होना था? नहीं, बिल्कुल होना था भाई। आप भी तो आए मिलेंगे ना, आप एक साथ बैठ के बात कर रहे हैं तो हम भी वहाँ बैठ के बात कर सकते हैं। अब ऐसा तो चुनिंदा विधायक रहते, हजारों लोग तो रहते नहीं वहाँ पर। व्यवस्थाएं करनी थी वहाँ पर, व्यवस्थाएं तो सब थी। अब अगर सरकार चाहती तो करा सकती थी, लेकिन सरकार ही नहीं चाहती जनता के मुद्दों से लड़ना। नहीं, बात करी थी, प्रयास किया था, लेकिन अब उनका सबका यही कहना था कोरोना को लेकर। अब लेकिन आप ही मीडिया वाले कहते कि कोरोना के अंदर विधानसभा सत्र आ गया, लेकिन मेरा कहना है जनता के मुद्दे भी आवश्यक थे। आज अगर कोरोना में अगर कोई घोटाले हो रहे तो वो सामने आते हैं। अब अगर किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, चाहे वो चाहे सम्मान की बात हो चाहे आर्थिक बात ही, तो वही विधायक बता सकता है क्यों गया। अगर आर्थिक प्रलोभन में गया है तो गलत बात है। देखिए, ऐसा है कि उन्होंने धर्म अधर्म की बात करी है, तो मैंने भी उनसे यही कहा है कि आपके जीजाजी जो बगैर हाथ के अभी ठाकुर है, शोले के बने हुए हैं, मतलब उनका एक भी मंत्री नहीं बन पाया, तो कहने का मतलब है कि उनको भी सद्बुद्धि दे। इस प्रकार से पार्टी के अंदर स्थिति बनी हुई है कि चाहे ज्योतिराज सिंधिया हो, चाहे सचिन पायलट हो, या जो भी महत्वाकांक्षा अपने लिए रखते हैं, लेकिन पार्टी संगठन को दूसरे पायदान पर रखते हैं। तो मेरा उन लोगों से कहना है कि आपको पार्टी ने नेता बनाया, आप नेता नहीं थे, आपको कार्यकर्ताओं ने नेता बनाया, आपको संगठन ने नेता बनाया। तो स्वाभाविक है, राहुल जी ने भी कहा है कि जो जा रहा है तो जा रहा है, लेकिन आम कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा और मिल रहा है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को, संगठन की, आप सब निराश ना हो, पार्टी आपके कारण है, इन नेताओं के कारण है।